प्रेगनेंसी का नौवां महीना यानी आपके प्रेगनेंसी का आखिरी समय, कैसे हम पता करें कि अब डिलीवरी होने वाली है, या फिर हम ये कैसे पता करें कि बच्चे का जो सेल है वो नीचे की तरफ आ चुका है या फिर बच्चे ने हेड डाउन पोजीशन लेना शुरू कर दिया है, अक्सर ये प्रश्न आता ही है। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसी बारे में कि बच्चे का सिर नीचे आता है तो वो कौन से संकेत आपको मिलते हैं, वो कौन से 5 ऐसे सिम्टम्स हैं, लक्षण हैं जो आपको अपने शरीर में दिखेंगे और आप आसानी से पता कर पाएंगे कि जी हाँ, अब आपकी डिलीवरी बिल्कुल पास है। हेलो दोस्तों, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल, जहाँ मैं बात करती हूँ मेकअप, ब्यूटी, ट्रेंडिंग फैशन और मॉमी टॉक की। आज की वीडियो एक बार फिर से प्रेगनेंसी वीडियो है और आज की वीडियो उन लोगों के लिए बहुत खास है जिनका प्रेगनेंसी का आखिरी टाइम चल रहा है, यानी कि 9वें महीने में जो एंटर कर चुके हैं। अगर मैं वीक्स की बात करूं तो 34 वीक लग चुका है जिसका। तो देखिए, ये वो टाइम होता है जब आपकी प्रेगनेंसी थोड़ी सी मुश्किल दौर से भी गुजरती है, आपके लिए थोड़ा टफ भी हो जाता है, और ये वो टाइम होता है जब आपकी खुशियाँ बिल्कुल आपके हाथ में आने वाली रहती है। प्रेगनेंसी का आखिरी महीना, इस महीने में आपके साथ बहुत सारे चेंजेस आपको फील होंगे अपने शरीर में, जिसमें एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ फील होगा वो होता है बच्चे का हेड डाउन पोजीशन। हेड डाउन पोजीशन वो होता है जब बच्चा अपना सिर नीचे की तरफ लाता है और ख़ुद को तैयार कर रहा होता है डिलीवरी के लिए, नॉर्मल डिलीवरी के लिए। बच्चे का सिर नीचे आ जाता है और पैर जो होते हैं वो ऊपर की साइड चले जाते हैं, और ये आइडियल पोजीशन होता है आपके नॉर्मल डिलीवरी के लिए। तो ये जब होता है तो उसके बाद आपका धीरे धीरे प्रोसेस तैयार शुरू होने लगता है और आपकी फिर नॉर्मल डिलीवरी होती है। नॉर्मली बच्चा जो हेड डाउन पोजीशन करता है वो 9वें महीने में करता है। वीक की बात करें तो 34 से 36 वीक के बीच में ये हेड डाउन करना शुरू कर लेता है। तो देखिए, अगर आप भी चाहते हैं नॉर्मल डिलीवरी हो, और वैसे तो देखिए अल्ट्रासाउंड जब डॉक्टर करता है 9 मंथ में, तो उस टाइम पे बहुत आसानी से बहुत सही समझ में आ जाता है कि आपका बच्चा अब हेड डाउन पोजीशन में आ गया है। लेकिन जो लोग 9 मंथ में अल्ट्रासाउंड कराने के पक्ष में नहीं होते, या फिर आप जो माँ बनने वाली हैं, आप अब खुद कैसे पता कर पाएंगी कि आपका बच्चा जो है हेड डाउन पोजीशन में आ गया है। बहुत सारे लोग मुझे कॉमेंट करते हैं कि 9 मंथ चल रहा है मैम, अब कब डिलीवरी होगी, हमें कैसे पता चलेगा कि बच्चा हेड डाउन में आ गया। तो आज की वीडियो में मैं वही 5 संकेत की बात करूंगी, और अगर ये 5 संकेत आपको मिल रहे हैं तो बिल्कुल आप श्योर हो सकती हैं कि जी हाँ, आपका बच्चा हेड डाउन पोजीशन में आ गया है। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। अब मैं बात करती हूँ सबसे पहले संकेत की। तो देखिए, सबसे पहला संकेत जो होता है वो होता है आपके पेट के आकार में बदलाव आता है। जी हाँ, जब बेबी हेड डाउन पोजीशन में जाता है ना, तो आपका पेट का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है वहाँ पे आपको प्रेशर कम फील होगा। ऐसा लगेगा कि पेट का जो ऊपर वाला हिस्सा है ना, एकदम से खाली हो गया है, और वहीं आपके बच्चे का जो पूरा भार है ना, वजन जो है वो आपके पेट के निचले हिस्से में आ जाएगा। इसीलिए मैं आपको बार बार कहती हूँ कि 9 मंथ में आपका पेट, लड़का हो या लड़की, लंबाई की तरफ, नीचे की तरफ लुढ़क जाता है। कुछ टाइम पहले अगर आपके पेट का आकार बिल्कुल गोलाई में था, या पेट के ऊपर वाले हिस्से में भी आपको एक प्रेशर महसूस होता था, लेकिन अगर बच्चे ने हेड डाउन पोजीशन कर लिया है तो आपको वो प्रेशर आपको अपने पेट के ऊपर वाले हिस्से में ना होगी, अपने पेट के निचले वाले हिस्से में होगा। तो आपके पेट का अगर आकार बदल गया है, पोजीशन चेंज हो रहा है, तो ये एक सिम्टम है, एक संकेत है कि आपका बेबी जो है वो हेड डाउन पोजीशन में आ गया है। अब हम बात करते हैं दूसरे संकेत की। दूसरा संकेत होता है कि आपको अपने पेल्विक एरिया पे ज़्यादा प्रेशर फील होगा। आपको अपने गुप्तांग में, या आप कह सकते हैं योनि के अंदर ना, हो सकता है एक दर्द महसूस हो, एक चुभन सा महसूस हो, क्योंकि बच्चा जो है ना वो पूरा ऊपर से नीचे की तरफ आ गया है। तो आपके जो गुप्त अंग है, जो उसके आसपास का एरिया है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा दबाव पड़ेगा, आपके ब्लेडर पे बहुत ज़्यादा दबाव पड़ेगा। तो वहाँ पे चुभन होना, दर्द होना दोनों टांगों के बीच में बहुत ही आम बात है। और अगर ऐसा आपके साथ 9वें महीने में हो रहा है तो जी हाँ, ये एक संकेत है कि आपके बच्चे का डिलीवरी का समय आ गया है, बच्चे ने हेड डाउन पोजीशन कर लिया है। तीसरा जो बदलाव आता है, मैंने अभी बताया आपको कि आपके ब्लैडर पे दिक्कत होगी, प्रेशर पड़ेगा। तो अगर यूरिन ब्लैडर पे आपके प्रेशर पड़ेगा तो आपसे यूरिन होल्ड नहीं हो पाएगा। तो 9 मंथ में अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है कि आपको बार बार यूरिन पास करने जाना पड़ा, बार बार आपको पेशाब करने की जरूरत
दिक्कत महसूस हो रही है तो ये एक संकेत है कि आपके बच्चे ने हेड डाउन पोजीशन किया है, क्योंकि पूरा का पूरा प्रेशर जो है आपको अपने पेट के निचले हिस्से में आपके योनि के पास आपको महसूस होगा। अब हम बात करते हैं एक और संकेत की, वो होता है वाइड डिस्चार्ज। आपके योनि से, आपके प्राइवेट पार्ट से हो सकता है आपको एक लिक्विड वाइट कलर या पिंक कलर का महसूस हो डिस्चार्ज होते हुए। देखिए, बहुत ज़्यादा अगर वाइट डिस्चार्ज आपके साथ हो तो मैं बार बार आपको यही कहती हूँ और अभी भी कहूँगी कि बहुत ज़्यादा वाइट डिस्चार्ज, और अगर स्टार्टिंग मतलब 7वें 8वें महीने से आपको ढंग से वाला मतलब ज़्यादा वाइट डिस्चार्ज हो रहा है तो आपको बिल्कुल लेट नहीं करना है, आपको तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाना है, क्योंकि वाइट डिस्चार्ज आपके शरीर में पानी की कमी कर देगा। हो सकता है लास्ट मोमेंट पे आपके बच्चे को पानी की कमी हो जाए और डॉक्टर आपको ये बोल दें कि नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगा, सी सेक्शन करना पड़ेगा। एक दो मेरी फ्रेंड के साथ ऐसा हो चुका है, इसलिए मैं आपको बार बार आगाह करती हूँ कि अगर वाइट डिस्चार्ज आपको बहुत ज़्यादा लग रहा है, थोड़ा बहुत हो रहा है तो चलेगा, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा हो रहा है तो आपको बिल्कुल लेट नहीं करना है, ये एक खतरे की घंटी होती है। तो अब मैं बात कर रही हूँ 9वें महीने में, अगर आपको गुलाबी रंग का हल्का गुलाबी या फिर वाइट डिस्चार्ज फील हो रहा है तो ये भी एक संकेत होता है, क्योंकि बच्चे का सिर नीचे की तरफ आ गया है तो वो जो प्रेशर पड़ता है उसकी वजह से आपका वाइट डिस्चार्ज होना बहुत ही नॉर्मल बात है, और ये भी एक संकेत है कि आपके बच्चे ने हेड डाउन कर लिया है। नेक्स्ट, अगर संकेत की मैं बात करूँ तो इस टाइम पर आपको अपने बच्चे की हलचल कम महसूस होगी। एक्चुअली होता क्या है ना कि आपका बच्चा हेड डाउन पोजिशन में आ गया, उसका हेड जो होता है एक तरीके से फिक्स हो जाता है, तो उसके हेड वाले पोर्सन का जो हलचल है वो तो आपको कम महसूस होगा। नॉर्मली जो आपको काफ़ी अच्छे से हलचल महसूस होती थी खाना खाने के बाद, आपको एक बच्चे का मूवमेंट फील होता था, वो चीज़ कम हो जाएगा। कम हो जाएगा, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हलचल नहीं करेगा, उसका जो सिर है ना वो फिक्स हो जाता है, धीरे धीरे नीचे की तरफ आता है, लेकिन उसके पैरों की हलचल आपको काफ़ी महसूस होगी, और आपको अपने पेट के निचले हिस्से में हलचल नहीं, आपको अपने नाभि के ऊपर हिस्से में, क्योंकि पैर ऊपर की साइड है तो पैर की हलचल महसूस होगी। वहीं अगर आपको अपने बच्चे की हलचल ऊपर की तरफ, पूरा सिर, बॉडी, उसके पैर समझ में आने लगता है, बच्चा जब पेट में होता है तो आपको बिल्कुल 9 मंथ लगते लगते ये समझ में आता है कि मेरे बच्चे का सिर कहाँ है, पैर कहाँ है, बहुत अच्छे से फील होना शुरू हो जाता है। तो उस टाइम पे अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है कि नाभि के ऊपर हिस्से में या यहाँ पे आपके ऊपर वाले हिस्से में आपको सिर्फ पैरों का किक महसूस हो रहा है, पैरों की हलचल महसूस हो रही है, इसका मतलब है कि आपका बच्चा जो है वो हेड डाउन पोजीशन में आ चुका है। लेकिन अगर बच्चे का सिर भी आपको ऊपर की तरफ महसूस हो रहा है, आपको बच्चे का पैर जो है अपने पैल्विक एरिया यानी पेट के निचले हिस्से में पैरों की हलचल महसूस हो रही है, इसका मतलब है कि आपका बच्चा भी हेड डाउन पोजीशन में नहीं आया है। तो हलचल आपको कम महसूस होगी, लेकिन हलचल महसूस होगी और पैरों का मूवमेंट आपको बहुत ज़्यादा और बहुत आसानी से समझ में आएगा कि हाँ, अब मेरे बच्चे का पैर कहाँ पे किक मार रहा है, कहाँ पे है, लेकिन सिर क्या फिक्स होने की वजह से उसकी हलचल की फ्रिक्वेंसी जो है वो थोड़ी कम हो जाएगी। तो इसमें बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है, लेकिन एक चीज़ मैं आप लोगों को अपनी तरफ से बताऊँगी, मेरी सिस्टर की जो डिलीवरी हुई है उसके साथ हुआ ये थोड़ी बहुत दिक्कत, उनको 2 दिन तक बच्चे की मूवमेंट प्रॉपर फील नहीं हुई, ठीक है, बहुत अच्छे से फील नहीं हुई, थोड़ी बहुत फील हुई। अभी मेरी जब उनसे डिटेल में बात हुई थी तो वो मुझे बता रही थी, अभी मैं उनसे मिलने गई थी, हम बीच में जो वीडियो नहीं आई तो थोड़ा सा मैं बिज़ी थी उन्हीं में, तो हुआ क्या, वो मुझे बताने लगी कि उनको 2 दिन तक बच्चे का मूवमेंट फील नहीं हुआ, पैरों की थोड़ी बहुत हलचल फील हो रही थी, बहुत कम, ना के बराबर, और वो इन चीज़ों को थोड़ा सा इग्नोर कर रही थी। तो मैं एक चीज़ आपको बता देती हूँ, देखिए, खाना खाना है आपको, खाना खाने के बाद 1 घंटे के अंदर आपको अपने बच्चे की हलचल को काउंट करना है, 10 बार कम से कम उसकी हलचल काउंट करना है। अगर बच्चा खाना खाने के बाद 10 बार एक घंटे में 10 बार हलचल करता है तो ये नॉर्मल है, लेकिन अगर वो 8 भी करता है तब भी चलेगा, लेकिन बिल्कुल 4-5 बार या नहीं कर रहा है या 2-3 बार कर रहा है तो इस चीज़ को आपको अवॉइड नहीं करना है। उन्होंने 2 दिन लेट कर दिया था, डिलीवरी उनकी 15 दिन बाद होनी थी, लेकिन बच्चा क्या हुआ था, उसका सिर जो है ना फंस गया था नाल में बुरी तरीके से। तो उस टाइम पे वो जस्ट चेक कराने गई थी, क्योंकि उनके पेट में दर्द हो रहा था, बेबी प्रॉपर मूव नहीं कर पा रहा था, यहाँ पे ऐसा लग रहा था पेट के ऊपर
ऊपरे हिस्से में वो फंस गया था बच्चा, या उनको बिल्कुल सांस नहीं ले पा रही थी ज़्यादा, और वो चेक कराने गई थी, सांस नहीं ले पा रही है। बाद में पता चला कि बच्चा, वो केस काफ़ी सीरियस हो गया था, और जो डिलीवरी 15 दिन सी सेक्शन ही कराना था उनका कंफर्म था, लेकिन जो सी सेक्शन या डिलीवरी 15 दिन बाद होने वाली थी वो एकदम से उसी दिन डॉक्टर को करना पड़ा, क्योंकि केस थोड़ा बिगड़ गया था। 2 दिन सब तक बच्चे ने प्रॉपर मूव नहीं किया। तो मैं आपको यही बताना चाह रही हूँ कि बच्चे की हलचल को आपको इग्नोर नहीं करना है। बच्चा अगर मूवमेंट नहीं कर रहा है, स्पेशली खाना खाने के बाद, तो तुरंत जाना है। ऐसा नहीं कि 2 घंटा 4 घंटा भी देख लें, ठीक है कर लेगा कर लेगा, जी नहीं। 9 मंथ में तो बिल्कुल, वैसे तो मैं कहूँगी कि कभी भी जब से आपको मूवमेंट फील हो उसके बाद आपको इन चीज़ों पर ध्यान देना है, काउंट करना है, लेकिन 9 मंथ या 8 मंथ में आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। बच्चा मूवमेंट नहीं करता है तो तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करना है, ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो ये 5 संकेत हैं, आई होप आप समझ पा रहे हैं। ये 5ों संकेत आपको बताते हैं कि आपके बच्चे ने हेड डाउन पोजीशन कर लिया है और बहुत ही जल्दी आपकी डिलीवरी होने वाली है। ये था आज का वीडियो, उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करिए, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।